आज से 6 साल पहले मैंने अपने घर की छत पर 1 किलोवाट का सोलर पैनल का सेटअप लगवाया था। ब्लू कलर के ये जो सोलर पैनल्स आप देख रहे हैं, इनको पॉली सोलर पैनल्स कहा जाता है। आज से 6 साल पहले इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, ये पॉली सोलर पैनल्स काफी ज्यादा चलते थे, इसलिए मैंने भी ये लगवा लिए। लेकिन आज की डेट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बाईफेशियल सोलर पैनल्स हैं जो दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स हैं जिनको आप इजीली मोड़ सकते हो, स्टार रेटिंग वाले सोलर पैनल्स भी हैं। जैसे आपके घर के अप्लायंसेस में स्टार रेटिंग होती है, उसी तरह से सोलर पैनल्स के ऊपर भी स्टार रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। यहां तक कि ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि सोलर सेल्स हैं या नहीं, आपको धूप मिलती रहेगी और इलेक्ट्रिसिटी भी बनती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इन सारे सोलर पैनल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कितनी इनकी प्राइस रेंज है, कौन कौन सी कंपनी इनको बनाती है और कौन से बेस्ट सोलर पैनल हैं जो आपके घर के लिए परफेक्ट रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉली सोलर पैनल्स की बात कर लेते हैं। सबसे बेसिक टाइप के सोलर पैनल होते हैं ये, काफी टाइम से मार्केट में अवेलेबल हैं। इनकी पहचान ये है कि इनके जो सोलर सेल्स होते हैं वो लाइट ब्लू कलर के होते हैं, स्क्वायर शेप के। इनका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कि जितनी सनलाइट इनको मिल रही है उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी ये बना सकते हैं। तो अगर आप इनको 100% सनलाइट देते हैं तो उसमें ये कहीं ना कहीं 13-17% के बीच में ही इलेक्ट्रिसिटी बना पाते हैं, जो कि दूसरे सोलर पैनल्स के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। इस टाइप के जो सोलर पैनल्स होते हैं ये मैक्सिमम आपको 350 से 350 वाट तक के देखने को मिलते हैं, उससे बड़े साइज का सोलर पैनल नहीं दिखता। अब इसका एक नुकसान ये हो जाता है कि जब आप इन वाले सोलर पैनल से एक सेटअप तैयार करोगे अपने घर के लिए तो आपको ज्यादा सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे। ये वाले सोलर पैनल 17 से 20 रुपए पर वॉट की प्राइस रेंज में आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए। ये वाले सोलर पैनल्स आपको तब चूज करने चाहिए जब आपके पास एरिया की कमी नहीं है, यानी कि आपको जितना बड़ा सोलर सेटअप लगाना है उसके हिसाब से आपके पास इनफ स्पेस है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप के सोलर पैनल्स होते हैं वो होते हैं मोनो सोलर पैनल्स। कुछ सालों पहले तक पॉली के अलावा ये सोलर पैनल्स काफी ज्यादा बिकते थे। इनको पहचानने का तरीका ये है कि इनमें जो सोलर सेल होते हैं वो डार्क ब्लू कलर के होते हैं और वो कॉर्नर से हल्के से कटे रहते हैं, जिससे कि वहां पर एक डायमंड शेप देखने को मिलती है। इन सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी पॉली पैनल्स के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती थी, लगभग 18 से 20% के आसपास इनकी एफिशिएंसी होती थी। लेकिन इनका ड्रॉबैक ये था कि ये थोड़े से महंगे मिलते थे, जिस वजह से लोग इनको अवॉइड करते थे और पॉली पैनल्स को चूज करते थे। उसके बाद समय के साथ थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आई और एक नई टेक्नोलॉजी निकल कर आई जिसको बोलते हैं मोनो। मोनोपर्क सोलर पैनल्स में एफिशिएंसी थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई। मोनो सोलर पैनल्स तक जो एफिशिएंसी 20% तक लिमिटेड थी वो अभी 21% पर पहुंच गई मोनोपर्क सोलर पैनल्स में। साथ ही इनका जो कॉर्नर से कट वाला शेप था वो भी हटाकर स्क्वायर शेप कर दिया गया। बाकी इन सोलर पैनल के सेल्स का कलर भी लगभग सेम है, डार्क ब्लू या फिर क्लोज टू ब्लैक कलर आप बोल सकते हो दिखने में इनका लगता है। इनकी जो एफिशिएंसी है वो तो ज्यादा बढ़ी ही बढ़ी, लेकिन इनकी जो लो लाइट में पावर जनरेशन कैपेसिटी थी वो भी काफी अच्छी हो गई। क्लाउडी वेदर होता है तो वहां पर ये पावर काफी अच्छी ज्यादा जनरेट कर लेते हैं। इसके अलावा इन सोलर पैनल्स का साइज भी थोड़ा बढ़ गया। मोनोपर्क सोलर पैनल्स जो आपको मार्केट में मिलेंगे वो लगभग 400 वॉट तक के देखने को मिल जाते हैं, यानी कि अब अगर आप 1 किलोवाट का सेटअप लगवाएंगे तो आपको कम सोलर पैनल्स लगवाने पड़ेंगे इस वाले सेटअप के साथ। और इन पैनल्स का जो प्राइस है वो मार्केट में आपको 20 से 22 या 23 रुपए पर वॉट के हिसाब से देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं हाफ कट सोलर पैनल्स। इनके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि यहां पर सोलर सेल्स को बीच में से कट कर दिया जाता है, तो लेजर मशीन के थ्रू इनको कट किया जाता है और इन कटे हुए सोलर सेल से जो सोलर पैनल बनकर रेडी होता है उनको बोलते हैं हाफ कट सोलर पैनल्स। ऐसा करने से काफी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि इन वाले सोलर पैनल्स में जो इलेक्ट्रिकल लॉसेस हैं वो काफी कम हो जाते हैं दूसरे सोलर पैनल्स के मुकाबले। दूसरा, आपने कभी देखा होगा सोलर पैनल्स आपने जब छत पर रखे हैं तो किसी पेड़ की शैडो उन पर पड़ रही है या किसी बिल्डिंग की शैडो पड़ रही है, तो ऐसे में दूसरे सोलर पैनल्स करंट जनरेट नहीं करते। अगर थोड़े से पार्ट पर भी शैडो पड़ रही है तो पूरा सोलर पैनल करंट जनरेट नहीं करेगा। लेकिन जो हाफ कट सोलर पैनल्स होते हैं उनके अगर आधे पार्ट पर भी शैडो पड़ रही है तो बाकी का जो दूसरा आधा पार्ट है पैनल का वो करंट जनरेट करेगा। इसके अलावा हाफ कट सोलर सेल्स में जो माइक्रो क्रैक के चांसेस हैं वो काफी कम हो जाते हैं। माइक्रो क्रैक क्या होता है, मान लीजिए सोलर पैनल के ऊपर किसी ने पैर रख दिया, कोई खड़ा हो गया या कोई वेट रख दिया, ऐसे में जो सोलर सेल्स हैं उनके अंदर काफी छोटे छोटे माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं जो कि आंखों से देखने को आपको पता नहीं चलेंगे। आंखों से आपको लगेगा कि सोलर पैनल ठीक है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो ऐसे में जब सोलर सेल का साइज छोटा हो जाता है तो माइक्रो क्रैक के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इन सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी की बात करूं तो 21 से 22% के बीच में ही इनकी एफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है और इनमें जो सबसे बड़ा सोलर पैनल है वो 650 से 700 वॉट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आप इन वाले सोलर पैनल से 1 किलोवाट का सेटअप बनाएंगे तो 2 ही सोलर पैनल आपको लगाने पड़ेंगे। प्राइस की बात करूं तो इनकी जो प्राइस रेंज है वो 22 से 25 रुपए पर वॉट के हिसाब से करंट प्राइस इनका मार्केट में चल रहा है। इसके बाद आ जाते हैं बाईफेशियल सोलर पैनल्स। तो इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें दो फेस होते हैं।
नॉर्मल सोलर पैनल में फ्रंट में आपको सोलर सेल्स देखने को मिलते हैं, बैक साइड में व्हाइट कलर की शीट लगी होती है। इन वाले सोलर पैनल्स में बैक साइड में कोई शीट नहीं लगी होती, बैक साइड से भी आपको सोलर सेल ही दिखाई देते हैं। इसका फायदा यह होता है कि जो फ्रंट से सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है उससे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो ही रहा है, लेकिन जो बैक साइड से रिफ्लेक्ट होकर सनलाइट आ रही है उससे भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 30% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट आप कर पाएंगे इन सोलर पैनल्स में। लेकिन ये जो 30% एक्स्ट्रा जनरेशन का क्लेम है, इसकी भी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि नॉर्मल सोलर पैनल का सेटअप अगर आप लगाओगे, मोनोपर्क हो, हाफ कट हो, पोल हो, कोई भी हो, उसमें आप 2 फीट या फिर 3 फीट का स्ट्रक्चर लगा सकते हो। इसमें अगर आप चाहते हो कि अच्छे से बैक साइड से जो सनलाइट की रिफ्लेक्शन है वो अच्छी मिले, अच्छी पावर जनरेट हो, तो कम से कम 9 या 10 फीट का स्ट्रक्चर आपको रखना पड़ेगा। दूसरा, इसमें जो बैकग्राउंड है जहां पर ये लगेगा वो बैकग्राउंड भी आपको ब्राइट कलर का रखना है। जितने ज्यादा ब्राइट कलर का आप उसको रखेंगे, व्हाइट कलर का आप उसको रखेंगे, उतनी ज्यादा सनलाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट होगी और उतनी ज्यादा पावर जनरेशन हो पाएगी। अगर ये 2 कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते हो तो जो 30% एक्स्ट्रा पावर जनरेशन है वो आप नहीं कर पाओगे और बाईफेशियल सोलर पैनल भी आपका नॉर्मल पैनल की तरह ही काम करेगा। इन वाले सोलर पैनल्स की जो एफिशिएंसी है वो 22 से 23% के बीच में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप सनलाइट को बैक साइड से अच्छे से रिफ्लेक्ट करा पाओगे तो ये एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इन सोलर पैनल्स की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 23 से 25 रुपए पर वॉट के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, मोनोपर्क सोलर पैनल्स हो, हाफ कट हो या फिर बाईफेशियल हो, इनकी जो एफिशिएंसी है उनमें काफी थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। आज की डेट में मोनोपर्क बाईफेशियल सोलर पैनल सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसके बाद बिल्कुल नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसको बोलते हैं टॉपकॉन। इस साल आपको मार्केट में सारे ही टॉपकॉन सोलर पैनल्स देखने को मिलेंगे और बाकी सारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 2023 में सोलर एक्सपो हुआ था ग्रेटर नोएडा में, हर साल होता है, उसमें देश की और दुनिया की बड़ी बड़ी सोलर कंपनीज आती हैं, तो वहां पर हर कंपनी ने अपना टॉपकॉन सोलर पैनल लॉन्च किया हुआ था। और सबसे मैंने बात करी थी, उन्होंने बताया था कि 2024 के बिगिनिंग से इन सब के सोलर पैनल्स मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो अभी तक आपने बाईफेशियल मोनोपर्क सोलर पैनल्स देखे थे, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर आ जाती है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। यहां पर एफिशिएंसी कितनी बड़ी है? ज्यादा नहीं बड़ी, 23% के आसपास ही एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आप देखिए आधा आधा परसेंट के लिए कितनी लड़ाई चल रही है। हाँ, यहां पर एक चीज आपको बढ़िया मिल जाती है कि जो सोलर पैनल्स में डिग्रेडेशन होता है, यानी कि समय के साथ साथ उनकी पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है, लेकिन इन टाइप के सोलर पैनल्स में वो इतनी ज्यादा कम नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी कम होगी, और ये काफी बढ़िया चीज है। यहां पर जो वारंटी है वो भी आपको सही मिल जाती है। इससे पहले जितने भी सोलर पैनल्स थे उस पर कंपनी 10 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देती थी, 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी, लेकिन अब जो टॉपकॉन सोलर पैनल्स आपको देखने को मिलेंगे उन पर 12 साल की तो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है और 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी लगभग सारी कंपनियां दे रही हैं। इस टेक्नोलॉजी के जो सोलर पैनल्स हैं उनका जो साइज है वो 700 से 725 वाट तक का हो सकता है, यानी कि अगर आप 1 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाना चाह रहे हैं इन सोलर पैनल से तो 2 ही सोलर पैनल्स आपको लगाने पड़ेंगे और उसमें आपका 1.5 किलोवाट तक का सेटअप बन जाएगा। प्राइस की बात करूं तो क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स का प्राइस आपको मार्केट में 28 रुपए पर वॉट के आसपास देखने को मिलेगा। अब ये तो थे वो अलग अलग टाइप के सोलर पैनल्स जो मार्केट में काफी ज्यादा कॉमन है, हर कोई बेचता है। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो काफी कम देखने को मिलती है, जैसे कि एक टेक्नोलॉजी है HJT, जो मैंने अभी आपको बताया 2023 में सोलर एक्सपो हुआ था वहां पर मैं देख रहा था सबसे बड़ा सोलर पैनल किसका है, तो वहां पर मेरे को राइजन करके एक कंपनी थी जिसका सोलर पैनल देखने को मिला, जहां पर लिखा हुआ था 741 वॉट का वो सोलर पैनल था, और उसके ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ था वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी कि काफी बड़ा सोलर पैनल है ये। इसके बगल में इसकी एफिशिएंसी लिखी थी जो थी 23.89%, अगेन उसके ऊपर भी लिखा हुआ था वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी कि काफी बड़े साइज का ये सोलर पैनल था और उसकी एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा थी क्योंकि वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड मेंशन था। तो मैंने इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सोलर पैनल है ये HJT टेक्नोलॉजी के साथ बना है, ये बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी हो जाती है। अभी तक जितने भी मैंने आपको सोलर पैनल्स बताए थे उन सब के लिए आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, एक प्रोडक्शन लाइन लगानी है, और उसी से आप मोनोपर्क सोलर पैनल्स, हाफ कट सोलर पैनल्स, बाईफेशियल सोलर पैनल्स और टॉपकॉन सोलर पैनल्स जनरेट कर सकते हो। लेकिन इस वाली टेक्नोलॉजी के लिए आपको पूरी प्रोडक्शन लाइन अलग से लगानी पड़ेगी, जो कि हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। इस वजह से इस टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हर कंपनी के पास नहीं मिलेंगे। जिस कंपनी के पास अच्छा खासा बजट है, जो काफी पहले से इसके ऊपर काम कर रही है, उसी के सोलर पैनल आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया की वारी कंपनी है, उनके भी HJT सोलर पैनल्स हैं जो कि मैंने इसी एक्सपो में देखे थे,
और राइजन कंपनी का मेरे को ये पता चला जब मैंने उनसे पूछा कि इंडियन मार्केट में क्या ये सोलर पैनल्स अवेलेबल होंगे, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे बताया कि वो सिर्फ यूटिलिटी स्केल पर डील करते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो सोलर फार्म्स होते हैं इंडिया या इंडिया के बाहर, उन सब में उनके सोलर पैनल्स लगते हैं। लेकिन ऐसे रेजिडेंशियल यूज के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आ जाते हैं फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स। ये सोलर पैनल्स होते हैं जो रबड़ की तरह मुड़ जाते हैं, आप इनको कहीं पर भी लगा सकते हैं, इनके ऊपर इजीली वॉक कर सकते हैं और किसी भी सरफेस पर आप इनको सेट कर सकते हैं। इनमें कोई फ्रेम नहीं होता जिस वजह से इनका जो वेट है वो काफी हल्का हो जाता है और अलग अलग शेप और साइज में ही अवेलेबल होते हैं। इंडिया में दो कंपनी के फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स अभी अवेलेबल हैं जो मुझे पता है, इनके अलावा और भी कंपनी हो सकती है। पहली है कोसोल एनर्जी और दूसरी है वारी। इन दो कंपनी के फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर जो एफिशिएंसी आपको सोलर पैनल्स में मिलेगी वो सेम मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इनके जो डैमेज होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने थोड़ा ज़्यादा बैंड कर दिया तो हो सकता है उससे उनकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़े। तो इस वजह से कंपनी जो इन पर वारंटी देती है वो भी काफ़ी कम देती है। इन पर जो आपको वारंटी मिलेगी वो नॉर्मल सोलर पैनल से थोड़ा कम देखने को मिलेगी। ये कितने महंगे हैं, ये अभी जो करंट सोलर पैनल्स का प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, 22 रुपये, 25 रुपये पर वॉट, 28 रुपये पर वॉट, ये वाले सोलर पैनल्स 60 रुपीज पर वॉट के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब प्राइस इनका काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल सोलर पैनल्स के मुकाबले। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आप नॉर्मल सोलर पैनल नहीं लगा सकते, मान लीजिए हम थोड़े से रिमोट एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर टेंट के अंदर लोग रहते हैं, आर्मी के टेंट्स लगे होते हैं, तो उनके लिए हम फ्लेक्सिबल सोलर पैनल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई व्हीकल है उसकी छत पर हम फ्लेक्सिबल सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टेक मॉड्यूल, जिसको शॉर्ट में BIPV मॉड्यूल भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा वेस्ट में जो बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर कांच की वो बिल्डिंग्स होती हैं, फ्रंट में पूरी कांच की लगी होती हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट आजकल इंडिया में जो अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ पर भी हाई राइज बिल्डिंग्स में ये कॉन्सेप्ट आने लगा है, कांच की बिल्डिंग्स होने लगी हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इन बिल्डिंग्स के लिए ये मॉड्यूल बनाए गए हैं जिनमें सोलर सेल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, जिससे सनलाइट ईजिली बिल्डिंग के अंदर तक जा सकती है, और क्योंकि थोड़े से वहाँ पर सोलर सेल भी लगे हैं तो वहाँ पर पावर जनरेशन भी हो सकती है। इंडिया में स्पार्क सोलर करके एक कंपनी है जो इस टाइप के सोलर पैनल्स में काफ़ी ज़्यादा डील करती है। ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज सोलर पैनल्स आपको बनाकर देंगे, जो भी आपका साइज है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसमें आप सोलर सेल्स की क्वांटिटी, उनके बीच का गैप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं। जो ग्लास का कलर है वो भी आप अपने हिसाब से करा सकते हैं, येलो, ब्लू या फिर किसी और कलर का आपको ग्लास चाहिए, और उसी हिसाब से जो इनके प्राइस है वो भी चेंज हो जाते हैं। सेम इसी टाइप के मॉड्यूल्स का जब हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं तो उनको बोलते हैं एग्री वोल्टेक मॉड्यूल्स। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता देता हूँ, फार्मिंग में एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस, जहाँ पर कांच का घर बनाया जाता है और उसके अंदर फसल को उगाया जाता है कंट्रोल्ड टेम्परेचर के हिसाब से। ग्लास का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सनलाइट अंदर इजीली आ जा सके, तो वहाँ पर इस टाइप के मॉड्यूल्स को लगाया जा सकता है जिनकी वजह से सनलाइट भी अंदर तक आ जाती है और कहीं कहीं पर सोलर सेल्स भी लगे होते हैं, तो उससे पावर जनरेशन भी हो जाती है। इनके अलावा एक होते हैं ऑल ब्लैक मॉड्यूल्स, जो कि दिखने में नॉर्मल सोलर पैनल की तरह ही होते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली ब्लैक होते हैं। नॉर्मल सोलर पैनल में आपको जो सोलर सेल्स हैं वो ब्लू या ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं, उनके अलावा जो उनका फ्रेम होता है वो सिल्वर कलर का होता है, जो उनकी बैकशीट होती है वो वाइट कलर की होती है। लेकिन ऑल ब्लैक मॉड्यूल्स में आपको सोलर सेल भी ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे, उनके पीछे की जो बैकशीट है वो भी कंप्लीटली ब्लैक होगी, फ्रेम भी कंप्लीटली ब्लैक होगा, यहाँ तक कि उस पूरे फ्रेम को और जंक्शन बॉक्स को लगाने के लिए जिस एडहेसिव का यूज़ किया गया है वो भी कंप्लीटली ब्लैक कलर का होता है। इन वाले सोलर पैनल्स को बनाया गया है खासकर उन लोगों के लिए जो चाहते हैं सोलर पैनल्स लगाना, लेकिन कहीं ना कहीं उनको चाहिए कि सोलर पैनल्स दिखने में भी अच्छे लगे। तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो सोलर पैनल्स के लुक की वजह से उनको नहीं लगाना प्रेफर करते। वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा चल रहा है, अब ये इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, जहां पर ये वाले सोलर पैनल्स आप लगा लीजिए बिल्कुल पता नहीं चलेगा, कंप्लीटली ब्लैक कलर के होते हैं, जो कि काफी अच्छे लगते हैं दिखने में। लेकिन इनका एक छोटा सा ड्रॉबैक ये भी है कि इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो नॉर्मल सोलर पैनल के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें ब्लैक कलर का यूज़ हुआ है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि ब्लैक कलर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो ये वाले सोलर पैनल्स ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से इनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है नॉर्मल सोलर पैनल के मुकाबले। अब ये तो थे अलग अलग टाइप के सोलर पैनल्स, लेकिन जब आप मार्केट में किसी दुकान में सोलर पैनल लेने जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग कंपनी के सोलर पैनल्स देखने को मिलेंगे और उनके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे कि ALMM अप्रूव्ड सोलर पैनल, BIS अप्रूव्ड सोलर पैनल, DCR नॉन DCR सोलर पैनल, N टाइप सोलर पैनल, P टाइप सोलर पैनल। तो ये क्या चीज़ें हैं ये वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले BIS की बात कर लेते हैं।
तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में कोई भी आप सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक BIS हॉलमार्क होता है, BIS सर्टिफिकेट होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो वो क्वालिटी और सेफ्टी को मीट करना चाहिए, उन स्टैंडर्ड कंडीशंस को मीट करना चाहिए, तभी उसको वो सर्टिफिकेट मिलता है। तो सोलर पैनल्स के ऊपर अगर BIS अप्रूव्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्वालिटी और सेफ्टी में वो सर्टिफिकेशन उन्होंने मीट करा है। इसके अलावा होता है ALMM। तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बना रखी है जिनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो फैक्ट्रीज में जाते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स की, उनकी पूरी प्रोडक्शन लाइन को चेक करते हैं किस तरीके से यूनिट बन रही हैं, वो अच्छे से चेक करते हैं, और उसके बाद जब सारी चीज़ें सही होती हैं तो वो उस प्रोडक्शन लाइन को, उस यूनिट को ALMM अप्रूवल देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सोलर पैनल का यूज़ करोगे तो वो ALMM अप्रूव होना चाहिए। तो अगर आप अपने घर के लिए भी सोलर पैनल लेने जा रहे हैं तो वो भी चेक कर लीजिए, ALMM अप्रूव्ड होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है इसका मतलब वो बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा काफ़ी ब्रांड्स और डीलर्स सोलर पैनल में ये पॉइंट अच्छे से बोलकर बताते हैं कि ये एन टाइप सोलर पैनल है या फिर ये पी टाइप सोलर पैनल है। आपको नहीं पता और ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में मैं जाना भी नहीं चाहता क्योंकि वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। आपको बस इतना बता देता हूँ, एन टाइप सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो पी टाइप के मुकाबले ज़्यादा होती है, प्लस इनकी जो लाइफ है वो भी पी टाइप के मुकाबले ज़्यादा होती है। तीसरा, जो सोलर पैनल्स हैं उनकी टाइम के साथ साथ जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो कम होती रहती है, इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो एन टाइप सोलर पैनल की जो डिग्रेडेशन है वो कम होती है, पी टाइप सोलर पैनल की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हर मामले में एन टाइप सोलर पैनल पी टाइप सोलर पैनल से बढ़िया होते हैं। तो जब भी आप मार्केट में जाएं तो एन टाइप सोलर पैनल अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो बढ़िया है, पी टाइप अगर मिल रहा है तो वहाँ पर डीलर से पूछिए कि मेरे को एन टाइप सोलर पैनल मिल सकता है क्या। यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉबैक आपको ये मिलेगा कि एन टाइप सोलर पैनल थोड़े से महंगे होते हैं पी टाइप के मुकाबले। इसके बाद आ जाते हैं DCR और नॉन DCR सोलर पैनल्स। तो इनको समझने का सबसे सिंपल तरीका ये है, आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट घर के लिए सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी देती है, लेकिन उनकी एक कंडीशन है कि सब्सिडी आपको तभी मिलेगी जब आप DCR सोलर पैनल्स लगाओगे। DCR सोलर पैनल्स क्या होते हैं? तो वो सोलर पैनल्स जो इंडिया में बने हैं। सिर्फ सोलर पैनल ही इंडिया में नहीं बने, उनके अंदर जो सेल लगे हैं वो भी इंडिया में बने हैं। अगर सारी चीज़ इंडिया में बनी है तो उसको DCR सोलर पैनल कहा जाता है। अगर सेल बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल करके सोलर पैनल बनाया गया है तो उसको नॉन DCR सोलर पैनल कहते हैं। सब्सिडी के साथ अगर आप सोलर पैनल्स लगाना चाहते हैं तो वहां पर DCR सोलर पैनल ही लगेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज और आपको बता दूं, DCR सोलर पैनल थोड़े से महंगे पड़ते हैं नॉन DCR के मुकाबले। अगर आप ये पूछोगे कि इंडिया के बने हुए सोलर सेल का पैनल महंगा क्यों है और बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं सोलर सेल उनका पैनल सस्ता क्यों है, वो इसलिए क्योंकि काफी बार बाहर से इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता है लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चर करना महंगा। तो ये वाले सोलर पैनल थोड़े से महंगे पड़ते हैं लेकिन क्योंकि इनके ऊपर सब्सिडी मिल रही है तो वो कॉस्ट कवर हो जाती है। बाकी इनकी एफिशिएंसी और लाइफ को कंपेयर किया जाए नॉन DCR सोलर पैनल से तो दोनों की ही सेम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं BEE स्टार रेटिंग की। आपने ये वाला स्टार रेटिंग का स्टिकर अलग अलग अप्लायंसेस के ऊपर देखा होगा, 3 स्टार 5 स्टार स्टार रेटिंग इसमें लिखी होती है और उस अप्लायंस की एफिशिएंसी कैसी है उसके हिसाब से ये स्टिकर मिलता है। सोलर पैनल्स पे ये स्टिकर आपको देखने को नहीं मिलता है लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये चेंज कर दिया है। 1 जनवरी 2024 से जो भी सोलर पैनल आप खरीदोगे, कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अगर सोलर पैनल की एफिशिएंसी के हिसाब से वो स्टिकर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वॉलंटरीली लगा सकते हैं, कोई कंपलसरी ऐसा फोर्सफुल रूल नहीं है। लेकिन ये सिर्फ 2 साल के लिए, 2024 और 2025, 2026 से सोलर पैनल्स के लिए ये स्टिकर लगाना कंपलसरी हो जाएगा। अब अगर आप कहोगे कि अभी तो कंपलसरी नहीं है और अगर कंपनीज ये स्टिकर नहीं लगाएंगी तो फिर क्या करें? कंपलसरी तो नहीं है लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना कि कंपनीज वॉलेंटरीली इसको लगा सकती हैं, अब जिस कंपनी के सोलर पैनल एफिशिएंसी वाइज अच्छे होंगे वो कंपनी लगाएगी, जिसके नहीं होंगे वो अवॉइड करेगी। इसके बाद आ जाता है सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट, A-grade और B-grade सोलर पैनल्स। आपको मैं बता दूं, सोलर पैनल्स 2 टाइप के होते हैं। A-grade सोलर पैनल्स उनको कहा जाता है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, B-grade सोलर पैनल्स उनको कहा जाता है जिनकी परफॉर्मेंस बेकार होती है। लेकिन आप और मैं तो क्या, जो कंपनी के डीलर्स हैं या कंपनी के खुद के बनाने वाले कर्मचारी हैं वो भी उन सोलर पैनल्स को देख कर ये नहीं बता सकते कि ये A-grade या B-grade सोलर पैनल्स हैं। सोलर पैनल्स को बनाने का एक प्रोसेस होता है, जब सोलर पैनल बन के रेडी हो जाता है तो उस पर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और उस टेस्ट के बाद उसकी फ्लैशर रिपोर्ट जनरेट होती है। फ्लैशर रिपोर्ट में आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये फ्लैशर रिपोर्ट है, यहाँ पर काफी सारे सोलर पैनल्स के सीरियल नंबर लिखे हुए हैं और उसके आगे उनका कुछ डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर मेंशन्ड है कि ये 445 वॉट के सोलर पैनल है, लेकिन उसके नीचे जब आप उसकी पी मैक्स वॉटेज देखेंगे तो सबकी 445 से ज्यादा है।
445 से पॉइंट हल्की सी भी ज्यादा होती है तो भी उसको ए ग्रेड सोलर पैनल कहा जाता है। अगर 445 या फिर जितनी भी उस पैनल की वॉटेज है उससे पॉइंट्स में हल्की सी भी कम हो जाती है तो वो बी ग्रेड सोलर पैनल हो जाते हैं। बी ग्रेड का मतलब ये नहीं है कि वो सोलर पैनल्स बेकार हैं, लेकिन कंपनी ने उन सोलर पैनल्स को अलग से ग्रेडिंग दे दी है और उनकी जो प्राइसिंग है वो उसी हिसाब से डिफाइन की जाएगी। इन सोलर पैनल्स का प्राइस भी कम होता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप अपने घर पर एक प्रोजेक्ट लगवाना चाह रहे हैं सोलर का, आपने एक वेंडर को बुलाया, वो साइट सर्वे करके गया, उसने कंपनी के सोलर पैनल्स के साथ आपको प्राइस कोट किया 5 लाख रुपये, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 5 लाख रुपये। वहीं आपने दूसरे वेंडर को बुलाया, वो भी सेम सारी चीज़ करके गया, सेम कंपनी के सोलर पैनल्स और वो प्राइस काफ़ी कम कोट कर रहा है, तो देख लीजिए कहीं वो दूसरा वेंडर बी ग्रेड के सोलर पैनल्स तो नहीं लगवा रहा। और अनफॉर्चुनेटली इसे पता करने का ज़्यादा कोई तरीका नहीं है। इस तरीके की जो फ्लैशर रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, इसी टाइप की फ्लैशर रिपोर्ट आपको उस डीलर से मांगनी होगी। अगर वो आपको दिखाता है तो उसमें आपको पता लग जाएगा, सीरियल नंबर वहाँ पर मेंशन होता है। या फिर एक दूसरा तरीका है जो कि आई डोंट नो वो काम करेगा या नहीं, लेकिन आप उस ब्रांड के कस्टमर केयर में कॉल करके उस पैनल का सीरियल नंबर बताकर उनसे पूछ सकते हो कि इसका जो फ्लैशर रिपोर्ट का डेटा है वो क्या है। आई एम नॉट श्योर कि कंपनी आपको ये चीज़ बताएगी, लेकिन यही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है, अदरवाइज आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जो भी पैनल आपको मिल रहा है उससे। लेकिन होपफुली जैसे जैसे ये स्टार रेटिंग वाला स्टिकर सोलर पैनल्स के लिए नॉर्मलाइज होगा, हर सोलर पैनल पे आपको ये स्टिकर देखने को मिलेगा, उससे आपको पता लग जाया करेगा कि सोलर पैनल की एफिशिएंसी कैसी है। लेकिन अभी के लिए आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। इतनी लंबी वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में ये सवाल है कि यार किस कंपनी के सोलर पैनल लगाएं, तो उसमें मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडिया में आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आ चुकी हैं। जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, ALMM यानी कि गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है ये सोलर पैनल्स अच्छे से बने हैं, उसमें भी 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं जिनके सोलर पैनल्स लिस्टेड हैं। तो इतनी सारी कंपनीज के बीच में मैं तो आपको ये नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपके साथ एक छोटा सा डेटा शेयर कर देता हूँ। इंडिया की अगर हम टॉप कंपनीज़ की बात करें मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसमें वारी, अडानी और विक्रम सोलर, इन तीन कंपनीज का नाम आता है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, और क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा सोलर पैनल्स बनाते हैं, तो उस वजह से ये प्राइस में भी थोड़े कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। और देखने में आया कि इनके सोलर पैनल्स का प्राइस काफ़ी कम रहता है दूसरे सोलर पैनल्स के मुकाबले। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी और कंपनी के साथ जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। तो ये थी एक वीडियो बेस्ट सोलर पैनल्स के ऊपर। मैंने आपको हर टाइप के सोलर पैनल्स के बारे में बता दिया विद प्राइस। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। हो सकता है ये वीडियो आपके काम की ना हो, लेकिन उनके काम की हो सकती है। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।